देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। यह है उसाफ डिजिटल, मैं हूं एहसन वाहिद। चंद रोज खबर, पुरअसरार हालात में मौत, दफनाने का मामला अलग और फिर दफनाने के चंद रोज बाद ऐसा क्या हुआ कि अदालत ने मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट चरकी की अदालत ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम से मुतल्लिक फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज सुबह फैसला महफूज किया था। अदालत ने शहरी अब्दुल्ला अहद की जानिब से दायर दरख्वास्त मंजूर करते हुए आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है ताकि आमिर लियाकत की मौत की वजह का जो है वो पता चलाया जा सके। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि आमिर लियाकत एक मारूफ टीवी एंकर और सियासतदान थे। इनकी अचानक मौत से कराची के शहरियों में शकूक व शुबहात जो हैं वो पाए जाते हैं और उन्हें शक है कि जदाद के तनाजा पर उन्हें कत्ल किया गया है, इसलिए इनका पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि इनकी मौत की वजह जो है वो सामने आ सके। दूसरी जानिब सरकारी वकील का कहना था कि वुरसा आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। वुरसा कहते हैं कि पोस्टमार्टम कराने से इनके वालिद की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। वुरसा कहते हैं हमें किसी पर शक भी नहीं है, ख्याल रहे कि मुमताज टीवी एंकर मुकर्रर और एमएनए आमिर लियाकत 9 जून को अपने कमरे में जो है बेहोश पाए गए थे। मुलाजमीन की इत्तला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां इनकी मौत की तस्दीक की गई। मुलाजमीन का कहना था कि एक रोज कबल आमिर लियाकत के दिल में तकलीफ हो रही थी, उन्हें अस्पताल जाने का कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो डॉक्टर्स का कहना है कि जिस्म का अंदरूनी जायजा लिए जाने तक आमिर लियाकत की मौत की वजूहात मालूम नहीं हो सकती। इंतकाल के अगले रोज आमिर लियाकत के तदफीन उनकी वसीयत के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में कर दी गई थी, जिसके बाद अब अदालत का हुक्म सामने आया है कि उनका जो है वो पोस्टमार्टम कराया जाए। नाजरीन, अब आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराने का जो अदालत ने हुक्म दिया है, इसके बाद आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई की जाएगी, जिसके बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद दोबारा डॉक्टर्स जो हैं उनके जिस्म के मुख्तलिफ अंदरूनी अज़ा को निकालेंगे और फिर उनका जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद पता चलाया जाएगा कि आमिर लियाकत हुसैन की मौत किस तरह हुई। ये एक बड़ा ही तकलीफ दह मरहला है। अभी अगर आप करना चाहते थे, पोस्टमार्टम करवाना था, तहकीकात करनी थी, मामलात का जायजा लेना था, तो आपको ये पहले करना चाहिए था। अब इतने दिन हो गए हैं उन्हें जो है वो तदफीन की जा चुकी है उनकी, अब ये एक तरह का इंतहाई तकलीफ पहुंचाने का मामला है। इस मामले में जो बुरसा है उनका मौकफ बड़ा वाजिया है कि हम नहीं चाहते आमिर लियाकत हुसैन की जो है वो कब्र कुशाई की जाए, हम नहीं चाहते कि उनका किसी किस्म का पोस्टमार्टम किया जाए, हम नहीं चाहते कि उनकी रूह को मजीद तकलीफ पहुंचाई जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे वालिद साहब को बादे अजमर्ग जो है वो अजियत में मुब्तला किया जाए। यह डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की औलाद का कहना है। इस मुतलिक आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, हमें बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।